आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल के बॉडीगार्ड और ड्राइवर के खिलाफ कॉलेज के ही एक प्रवक्ता की पत्नी ने घर में घुसकर अभद्रता व मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने लोहा मंडी थाने में दोनों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा कॉलेज में डॉक्टर यादवेंद्र शर्मा प्रवक्ता के पद पर है, वह अशोक नगर में रहते हैं। उनकी पत्नी मालती शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 3 नवंबर की शाम उनके घर पर आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से प्रिंसिपल के बॉडीगार्ड बनी सिंह, ड्राइवर योगेंद्र और दो लोग उनके घर में घुसे। उस समय उनके पति घर पर नहीं थे, सिर्फ बेटा बेटी ही मौजूद थे। मालती शर्मा ने आरोप लगाया कि बॉडीगार्ड ने घर में घुसकर उनके साथ अभद्रता की, उनके पति के बारे में पूछा और उनसे जबरदस्ती एक कागज पर साइन कराने का प्रयास किया। जब उन्होंने अपने पति को फोन करने लगी तो बॉडीगार्ड अभद्रता पर उतर आया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। बहरहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि प्रिंसिपल के बॉडीगार्ड और ड्राइवर एक नोटिस देने गए थे। अग्रिम जांच की जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। प्राचार्य जी नीचे बैठे हैं, हो सकता संभवत प्राचार्य जी भी हों और दो शिक्षक भी हों। ये लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया है। कॉलेज के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पता कर सकते हैं कि आनंद पांडे जो भौतिक विभाग के शिक्षक हैं निरंतर प्राचार्य के साथ रहते हैं। या तो वो अपने आवास पर मिलेंगे या प्राचार्य के ऑफिस में मिलेंगे या प्राचार्य के आवास पर मिलेंगे। आज तक उन्होंने एक कक्षा पढ़ाने का काम नहीं किया है। ये वहाँ के HOD से पता कर सकते हैं, वहाँ के शिक्षक से पता कर सकते हैं। और वही शिक्षक कॉलेज में लगातार अनियमितता करा रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, संलिप्त है और जो भी इस तरह की बातें उठाता है उनके खिलाफ इसी तरह का षड्यंत्र करता है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के सभी शिक्षकों की 40% सैलरी और कर्मचारियों की 20% सैलरी इन्होंने जबरन काट रखी है। वो जब भी इस तरह की मांग उठाते हैं उन्हीं उस तरह ऐसे उस समय उनको नोटिस देकर उनको डरा के धमका के उन पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है।